भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, कांग्रेस ज्वाइन की, इसके पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारतीय संविधान एवं आरक्षण के तहत सुरक्षित क्षेत्र से मैं सांसद का चुनाव जीत करके आई हूँ। और जब मैं चुनाव जीत कर लोकसभा में पहुंची तो वहां पर मुझे जो देखने को पढ़ने को सुनने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आप लोग को टीवी रेडियो अखबार के माध्यम से सुनने को पढ़ने को देखने को मिला होगा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं भारत के संविधान और आरक्षण की समीक्षा करेंगे। बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद सुखदेव स्वामी का बयान था कि भारत के संविधान आरक्षण को हमेशा समाप्त करेंगे कि रहना ना रहना बराबर होगा। बीजेपी के मंत्री ने बोला कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। यही नहीं, जंतर मंतर पर 9 अगस्त को भारत के संविधान की प्रतियां जलाई गई, भारत के संविधान का मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। जिन लोगों ने यह सब करने का काम किया उनके खिलाफ भारत के संविधान के तहत जो कानून बनाई गई है उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए उनका नागरिकता समाप्त होना चाहिए और भारत के संविधान द्वारा दी गई सुविधा से उन्हें वंचित करना चाहिए, ऐसी कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान की विरोधियों के खिलाफ उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं किया। इससे लगता है कि भारत के संविधान को बीजेपी बदलना चाहती है। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 10% आरक्षण जो सवर्णों को दिया है ये भारत के संविधान का संशोधन करके दिया गया है, इससे लगता है कि भारतीय संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदल रही है। वो कहकर तो बदलेगी नहीं लेकिन वो भारत के संविधान को बदल रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आरक्षण की व्यवस्था उन समाज के लोगों को दिया था कि जो आर्थिक आधार पर, जो सामाजिक आधार पर, जो जिसके छुआ हुआ लोग पानी नहीं पीते थे, जिस जाति से लोग नफरत करते थे, उनको अछूत मानते थे, उन समाज के लोगों को आरक्षण देकर के बराबरी में लाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आरक्षण के तहत दिया था। और शैक्षिक आधार पर जहाँ पर ये लिखा था कि स्त्री शूद्रों विद्या ना देता, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा देना ज्ञान देना नहीं चाहिए, वहाँ पर हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। वहाँ पर भी जो शैक्षिक जो शिक्षित नहीं थे उनको भी आरक्षण दे करके और उनको बराबरी में लाने का काम किया था। अब आज भारतीय जनता पार्टी वो संविधान का संशोधन करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रही है, उनको दे रही है जिनका आय 10 लाख से कम हो। अच्छा, आप बहराइच से लोकसभा सांसद रही हैं, भाजपा में काफी कई साल आपने बिताए, जब ये सब प्रकरण चल रहा था कि आपको जब लगने लगा कि ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने पार्टी के भीतर इसकी आवाज उठाई? आपने कभी इसके लिए बात की किसी बड़े नेता से? बात की अमित शाह जी से, बात की नरेंद्र मोदी जी से, किसी और से भी बात की, कोई भी बड़े नेता से? देखिये, मैं जब लोकसभा में चुनाव जीत करके गई जी, तो वहां पर मैंने लोकसभा में भी जब ये मुझको लगा कि भारत के संविधान आरक्षण को बदलना चाहते हैं तो मैंने लोकसभा में ही उठाया जी, लोकसभा की सदन में मैंने उठाया कि भारत के संविधान में दी गई कानून को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए और आरक्षण का कोटा संपूर्ण रूप से पूरा कराया जाए। लेकिन क्या कारण है कि भारत का संविधान संपूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं किया गया, जिसके नाते आज भी दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोग आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। एक तरफ आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा और नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों पहले कुंभ मेले में आके नरेंद्र मोदी जी ने कुछ जो सफाई कर्मी थे, जो दलित थे, उनके पैर धोए, उनसे बात की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कभी भारत पाकिस्तान, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, और कभी जिस तरीके से वो ड्रामा कर रहे हैं, जो आपको देखने को लगा कि पैर एक प्रधानमंत्री पैर धो करके पैर पोंछ रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, उसको टीवी में चलाया जा रहा है, उसको व्हाट्सएप ट्विटर पे वायरल किया जा रहा है, तो एक ही चुनावी उनका प्रचार किया जा रहा है, एक चुनावी प्रचार हो रहा है, इससे देश और बहुजन आगे नहीं बढ़ेगा। देश और बहुजन तो तब आगे बढ़ेगा जब भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू होगा। क्या उनके पांव धोने से उनका सम्मान बढ़ गया? क्या
मैं तो कहती हूँ कि अगर उसको सम्मान बढ़ाना था तो उनका भत्ता बढ़ा देते, उनके बच्चों को नौकरी दे देते, उनको तब उनका एक उनका भविष्य सुधर जाता, वो आगे बढ़ते। लेकिन आज वो पैर धो करके समाज के बीच में वो वीडियो वायरल क्यों की जा रही है, वो टीवियों पर चैनलों पर क्यों चलाया जा रहा है, तो एक प्रचार ही तो किया जा रहा है। तो आज के देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए वो किसी हद तक उतर सकते हैं। जहां पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, अगर भारत देश सुरक्षित है तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी घटना हुआ है जिसमें 22 लोग जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, 42 लोग जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, आखिर ये घटना क्यों जी। और इसकी तो मैं कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए, और उसमें जो जिसने भी गलती किया हो, जो भी गलती किया हो, उसको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। आज देश में नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास उठ चुका है। जिस तरीके से कुंभ मेला में 4200 करोड़ रुपया जो उन्होंने पानी के तरीके से फेंका है, और उससे क्या गरीबों की भलाई हुई है क्या? अगर वो 4200 करोड़ रुपया अगर 4200 करोड़ लोगों को दे दिए होते तो कम से कम आज वो आगे बढ़ गए होते। लेकिन आज वो गरीबों को न देख करके, बल्कि कभी मंदिर के नाम पर, अयोध्या मंदिर में भी इन्होंने जो करोड़ों रुपया जो खर्चा किया, आज वो करोड़ों रुपया अगर देश के गरीबों में बांट दिए होते तो गरीब हमारा आगे बढ़ गया होता। लेकिन न उनको देश की चिंता है, न उनको गरीब की चिंता है। और वो कहते थे ना कि अगर हमारी सरकार बनेगी केंद्र और प्रदेश में तो हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। क्या हो गया मंदिर? कहाँ गई मंदिर? अब तक नहीं बना। ये केवल मंदिर मस्जिद का ये ड्रामा कर रहे हैं, उस पर देश के दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोगों का वोट लेकर के ये सत्ता में आना चाहते हैं, और जब सत्ता में आकर के देश में भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति में था छुआछूत भेदभाव, मनुस्मृति में था स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यताम। इस तरीके से देश में बहुजन समाज के लोगों के साथ जो अन्याय होता था, गैर बराबरी थी, उसी संविधान को ये पुनः लागू कराना चाहते हैं। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बल्कि आरएसएस की सरकार है। आरएसएस मोहन भागवत के इशारे पर नरेंद्र मोदी जी जितना कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को जितना मोहन भागवत बोलते हैं, उसी हिसाब से नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। देश में आरएसएस की सरकार है। आप बहुजन समाज से आती है और हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों के एजेंडे को लेकर चलती है, बहुजन समाज के एजेंडे को लेकर चलती है। तो कांग्रेस ज्वाइन करने की बजाय बसपा भी तो ज्वाइन कर सकती थी। आपका दलित वोट बैंक भी बहराइच में बहुत स्ट्रांग है, तो आपने बसपा क्यों नहीं ज्वाइन की, या फिर आपने कुछ बात की वहां से बात करनी है? देखिए, आज के तारीख में पूरे देश का दलित पिछड़ा और मुस्लिम बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ है, और इसलिए है कि देश में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से अगर कोई रोक सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे देश का बहुजन आज तैयार है। उसका जीता जागता प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा कि चाहे वो राजस्थान प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और चाहे वो छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, यहाँ पर लोगों ने बहुजन समाज को वोट नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, वहां पर सीधा कांग्रेस को वोट दिया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देता तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाती। इसलिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए देश का दलित पिछड़ा और मुस्लिम समाज बहुजन समाज आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। और अगर देश में बीजेपी को रोक सकता है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए, और इसलिए मैं रोकना चाहती हूँ कि अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारा भारत का संविधान पूरे तरीके से खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है। इसलिए मैं बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आप कह रही हैं कि अगर लोगों ने बसपा को वोट दिया होता राजस्थान या दूसरे प्रदेशों में तो वो वोट भाजपा को चला जाता, क्या आप ये कह रही हैं कि बसपा कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है? देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि पूरा देश का बहुजन चाहता है कि पूरे देश में महागठबंधन हो, लेकिन क्या कारण है कि बहन जी महागठबंधन के साथ नहीं खड़ी है? इससे लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश है, और देश का बहुजन इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा है कि ये साजिश का शिकार कहीं बहुजन ना हो जाए।
इसलिए दलित पिछड़ा आदिवासी मुस्लिम बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ खड़ा है। नहीं, मेरा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है? देखिए, इसे ये तो साफ जाहिर आपको देखने को सुनने को पढ़ने को मिलता है कि अगर बहुजन समाज को लगता कि कांग्रेस उनको लगता कि कहीं बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को हरा सकती तो उनके साथ खड़ी होती, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिला, इसलिए को महागठबंधन नहीं कर रही है। और अगर महागठबंधन नहीं कर रही तो इसे साफ जाहिर भी होता है। क्या आपने कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले बसपा में अप्रोच किया? आप शायद बसपा में भी रही हैं कई कुछ साल। हाँ, मैं बसपा में थी जब मान्यवर कांशी राम साहब थे, तब वो बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी नहीं रह गई, अब वो मिशन से भटक गई। जो कांशी राम साहब की सोच थी, उस कांशी राम साहब की सोच से हट गया। आज पूरा देश इस बात को चिंतित है, मैं ही नहीं, पूरे देश का दलित पिछड़ा आदिवासी समाज, मुस्लिम समाज और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो कैडर के थे, जो अंबेडकरवादी थे, आज पूरी तरीके से चिंतित है कि देश का होगा क्या अगर संविधान हमारा खतरे में, संविधान हमारा खत्म हुआ तो हमारा बहुजन समाज का हाल क्या होगा। ऐसी स्थिति में आज वो पूरी तरीके से चिंता का विषय बहुजन समाज के लिए है। जितने आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जो भी लोग हैं और जो लोग भी बाम से जुड़े हुए हैं, जो कैडर से जुड़े हुए हैं, आज सभी के सभी चिंतित है कि अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रह गई जो कांशी राम साहब की पार्टी हुआ करती थी। जब कांशी राम साहब थे तो कहा करते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, वो कहा करते थे। और तब जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, कि आज वो मिशन चल रहा है, आज वो मिशन से हट गई है। इसलिए आज अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस रोक सकती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा देश की जनता खड़ी है। ये कांग्रेस ज्वाइन करने की बात आपकी कब से चलने लगी थी? किसी ने कांग्रेस से आपको अप्रोच किया था या आपने खुद कांग्रेस को अप्रोच किया? देखिये, मैंने तो बीजेपी से जब त्याग पत्र दिया तो इसीलिए त्याग पत्र दिया था कि बीजेपी भारत के संविधान आरक्षण को खत्म करना चाहती है, बहुजन समाज के लिए दिए गए कानून को खत्म करना चाहती है। इसीलिए मैंने बीजेपी से त्याग पत्र दिया, मैंने लोकसभा में उठाया, मैं नरेंद्र मोदी से मिलकर के भी मैंने कहा कि आरक्षण संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करिए। जब उन्होंने, मैं लोकसभा में मिली, लोकसभा में उनके चैंबर में मिली, मैं अपने लेटर पैड पर उनको पत्र भी लिख करके दिया और ये कहा कि भारत के संविधान आरक्षण को लागू करिए। जब मेरी बातों को उन्होंने अनसुनी किया तब हमने बीजेपी से त्याग पत्र देकर, और तब त्याग पत्र देने के बाद मैं पूरे भारत के जितने दल के नेता थे, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अवेसी हों, चाहे वो सोनिया गांधी हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो मायावती जी हों, मैं सभी देश के जितने पार्टियां हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का प्रयास किया कि अब भारत में महागठबंधन हो और बीजेपी को रोकने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। यदि एकजुट नहीं होते हैं तो दोबारा बीजेपी आएगी तो हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए मैं सभी नेताओं के संपर्क में रही। अच्छा, जब आपने त्याग पत्र दिया क्या उससे पहले कुछ बीजेपी नेताओं ने आपसे बात करने की कोशिश की? जब भी बीजेपी के नेताओं ने मुझसे बात किया तो मेरा था कि आप भारत के संविधान को लागू करिए, जहां पर कहते थे नरेंद्र मोदी कि सबका साथ सबका विकास, तो आज सबका साथ सबका विकास कहां हो रहा है? आज तो पूंजीपति आदमी करोड़ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया? केवल ढोल पीटा, केवल ड्रामा किया, केवल झूठ बोला। इस देश का प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते हैं वही करते हैं, और ये ड्रामेबाज प्रधानमंत्री से पूरे देश की जनता ऊब चुकी है। इन्होंने देश की जनता क्या कुछ नहीं किया। हमने कहा था कि आपने कहा जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, अगर भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी ढूंढी जाए, भारत में गरीबी नहीं मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? वो केवल ड्रामा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश का बहुजन आज पूरी तरीके से चिंतित है। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई आपकी, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कराई, क्या बातें हुई वहाँ पे, क्या बोला उन्होंने और कितने होपफुल थे आपको लेके? देखिए, आज हमारी जरूरत कांग्रेस को है और कांग्रेस की जरूरत हमारी है, दोनों लोगों की है, क्योंकि आज देश में हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं और कांग्रेस के लोग भी ये चाहते हैं कि जब तक दलित पिछड़ा और मुस्लिम बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होगा तब तक हम भी सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए हमने तो ये कहा है कि भाई अगर मैं तो इस शर्त पर कांग्रेस पार्टी में आ रही हूँ कि
जो हमारा जो बहुजन समाज का मूवमेंट है उस मूवमेंट को ये चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को तो हमेशा से ब्राह्मणवादी पार्टी कहा गया है। जो पहले कांग्रेस थी अब वो कांग्रेस नहीं रह गई। कांग्रेस जब पहले थी तो उस समय की स्थिति कुछ और थी, अब वो परिवर्तन हो गया है। कांग्रेस पार्टी इतने सालों में जो नुकसान नहीं किया वो आज बीजेपी अपने कार्यकाल में अनुसूचित जात पिछड़ी जात मुस्लिम समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान कर दिया, बल्कि संविधान को बदलने की उसकी साजिश हो गई। ऐसी स्थिति में लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी में हमारा सम्मान है और संविधान वही सुरक्षित है, इसलिए आज समाज कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी से क्या बात हुई आपकी, टिकट को लेकर क्या बात हुई? टिकट तो उन्होंने पहले ही ओके कर दिया है, और टिकट यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी वो दे रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को आप संभालिए और 2022 में आप सरकार भी बनाइए, आपका स्वयं नेतृत्व करिए, और पूरी तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम करेंगे। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हम दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक समाज का जो अधिकार है उसको हम लागू नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम अकेले अपने बल पर सत्ता में आ भी नहीं सकते, हमारे बगैर सत्ता में वो भी पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक दलित पिछड़ा आदिवासी मुस्लिम उनके साथ नहीं खड़ा होगा तब तक वो भी सत्ता में नहीं आ सकते। और ये लोगों को विश्वास है कि निश्चित रूप से हम कांग्रेस की सरकार जब हम बनाएंगे तो हमारा संविधान भी सुरक्षित रहेगा और संविधान में दिए गए कानून आरक्षण उसको संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए भी मैंने राहुल गांधी जी से मैंने बात भी की। अच्छा, इन बातों से क्या ये मतलब निकालूं मैं कि उन्होंने जब आपसे कहा कि आप 2022 के लिए भी तैयार रहिए और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी देते हैं, तो क्या अभी से 2019 में ही आपको 2022 के लिए उत्तर प्रदेश का सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को रोकने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश में भी अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो कांग्रेस रोकेगी, और केंद्र में भी अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस रोकेगी बीजेपी को। तो बीजेपी को रोकने के लिए हम केंद्र और प्रदेश में काम करेंगे, और जब सरकार बनेगी कांग्रेस की तभी संपूर्ण रूप से संविधान आरक्षण हमारा उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र में लागू होगा, इसके लिए हम तैयारी करेंगे और फिर आगे जो पार्टी तय करेगी उस पर जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन अभी आपने बोला था कि वो आपको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है और प्रदेश को हेड करने की भी वो जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। प्रदेश को तैयार करने की जिम्मेदारी उन्होंने दी है, उन्होंने जनता को तैयार कर करके कांग्रेस की सरकार बनाने की जिम्मेदारी मुझे दे रहे हैं, बाकी जब वो स्थिति आएगी तो निर्णय पार्टी करेगी। कैंपेनिंग कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? कैंपेनिंग कब से शुरू कर रहे हैं? प्रचार कब से? प्रचार तो हमारा शुरू है। क्या हम तो लगातार किया है आपको कि वो आएंगे यहाँ पे आपके साथ? बिल्कुल आएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी और जो भी शीर्ष नेता है वो सभी प्रदेश में लगेंगे, पूरे देश में लगेंगे, और उन्होंने तो कहा है कि हम लोग गली गली जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, समाज को जोड़ेंगे और केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, इसकी तैयारी की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को मैसेज भी दिया होगा आपके थ्रू, क्या उनके लिए क्या संदेश दिए कार्यकर्ताओं के लिए? कार्यकर्ताओं को यह है कि आप कार्यकर्ता को तैयार, कार्यकर्ता तो तैयार है पूरी तरीके से, जब देश का दलित पिछड़ा आदिवासी और देश का सभी समाज, देश में सभी जात धर्म संप्रदाय वो सभी लोग तैयार हैं इस बार कांग्रेस को वोट देने के लिए, केवल वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी वो समय आए जो बीजेपी को हम हटाए और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाए, इसके लिए जनता तैयार है। जब जनता तैयार है तो जनता ही कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए संपूर्ण रूप से जनता ही तैयार है। चलिए, शुक्रिया आपके। जय भी।